अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपीज़। आज हम क्विक रेसिपीज़ में बनाएंगे क्विकली एक चॉकलेट केक। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा 2 कप, और चीनी हमने ली है 2 कप। ये ग्रैन्यूलेटेड भी है और कुछ क्रिस्टलाइज भी है। मिक्स शुगर हमने लिया है, नॉर्मल जो चीनी होती है वाइट। उसके बाद हमने ले लिया है कोको पाउडर, ये हमने रोजमोर का लिया यहाँ पे। और ये डब्बा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये मैंने पूरा डब्बा, इसमें जो पैकेट होता है वो पूरा इसमें मैंने एम्प्टी किया है। और इसको मैदे को भी मैंने सिफ्ट कर लिया है और मैंने कोको पाउडर को भी सिफ्ट कर लिया है। इसके बाद हमने लिया है ऑयल, 1 कप ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल। और इसके बाद हमने ले लिया है 2 अंडे लिए हैं। और ये इंग्रेडिएंट्स ध्यान से रखिएगा क्योंकि आपका जो केक फूलता है, जो उसमें फ्लफीनेस आती है या सॉफ्ट होता है, वो सारा इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर आपने डालना है वो है 1.5 टीस्पून, और जो बेकिंग सोडा आप डालेंगे वो होगा 1/4 टीस्पून। कितना? 1/4 टीस्पून। सो ये क्योंकि बहुत ही आसान हमारा जो पूरा केक है, इसमें एक ही बाउल इस्तेमाल होगा जिसमें आपने सारी चीज़ें डालनी है। तो इसमें डाल देंगे सबसे पहले हम कोको पाउडर। अभी मैंने तो प्रेजेंटेशन के लिए सारी चीज़ें अलग अलग डाली थी, लेकिन आप इसमें एक ही बाउल में डायरेक्टली सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें चीनी, इसको मिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम डाल देते हैं इसमें ये ट्रिपलेट्स। अब हम इन सब के सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसको ओवर मिक्स, याद रखिएगा कभी भी केक के बैटर को आपने ओवर मिक्स नहीं करना, इतना ही करना है जितनी ज़रूरत होगी। और अभी हम अंडों को ज़रा से बड़े बाउल में डाल के थोड़ा सा विस्क कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों जो अंडे थे हमारे पास उनको अच्छे तरीके से विस्क कर लिया है। और मैंने विस्क किया है इस विस्कर की हेल्प से, नॉर्मल हैंड विस्कर। और इसको अब हम डाल देंगे अपने बैटर में। और इसके बाद हम डालेंगे वही 1 कप हमारा कुकिंग ऑयल। और अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इजीली सारा मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको डाल देना है पानी, डाल देंगे हम ये पानी। मैंने उसी अंडे वाले बाउल में डाल दिया था इसलिए उसका तो कलर थोड़ा सा येलोइश सा हो गया। तो अभी हम इसको पानी को और इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मुझे केक बनाते हुए, बचपन से मैं केक्स बना रही हूँ, और ये जो है वो मेरी अपनी पहले एक सिग्नेचर रेसिपी है जो कि घर बना में आसानी से बन सकती है। घर में इंग्रेडिएंट्स अगर आपने मंगवा के सौदे में रखे होते हैं, जो मेन मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और आपके पास न्यूटेला या कोई प्रॉपर चॉकलेट्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, फैंसी चीज़ें, आपके पास बटर नहीं है, तो घर में कुकिंग ऑयल जैसे एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो वो सब चीज़ें आपके पास घर में मौजूद होती है। सिर्फ मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, इनसे जो है वो बनने वाला केक है। और यहाँ पे इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि हमारे पास एक थिक और रनी बैटर बन जाए। और वो मुझे एक हाथ से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं आपको मिक्स करके बताती हूँ। और इस पॉइंट पे ये देखें, ये बैटर बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है, लेकिन अभी भी ये इतना रनी नहीं है। मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, पूरा 1 कप। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप मिल्क, जिससे ये बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा और बहुत ही यमी भी हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से, इसको हमने मिक्स कर लिया। और अब जो है वो ये एक रनी और बहुत ही मज़े का बैटर बन चुका है, यानी कि रेडी टू बी पोर्ड इन द
अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ एक प्रो टिप, जो कि है ये घर की चीज़ें, और जो है वो ये है एक नॉर्मल सा पेपर जो कि थोड़ा सा ये हार्ड होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह जो पैम्फलेट्स होते हैं प्लस कैटलॉग्स होती हैं उनका जो पेपर होता है वो है ये पेपर, और इसमें से इंक भी जो है ना वो नहीं जाती, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा के जो है वो अपने पैन में रखेंगे, तो उससे यह है कि केक स्टिक भी नहीं करता और आपको बटर पेपर ख़रीदने के भी पैसे बच जाते हैं। और ये मैंने वो पेज इस तरह से कटिंग उसकी काट के जो यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे हम इसको ऑयल से इस तरह से ब्रश कर लेंगे। ऑल्दो मेरा पैन बहुत पुराना है बट इसकी शेप मुझे बहुत पसंद है। आपको अगर स्क्वायर बनाना है तो इसको आप हाफ हाफ करके डबल भी कर सकते हो, वैसे ये रेक्टेंगुलर शेप में है, और इसको हम, और ये बहुत पायदार है, लाइक नॉर्मल जो पैन्स आप लेते हो तो वो ना टूट जाते हैं या उनकी शेप ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी, बट ये अभी तक ज़िंदा है। इसी तरह से हमने साइड्स पे भी लगा लिया। सो यहाँ पे हम जो है अपना बैटर डाल देंगे, और मैं यहाँ पे एक इस कप की हेल्प से कर रही हूँ, डाल रही हूँ। ये मेरे पास जो कप की मेजरमेंट है ये हाफ कप की है, तो मैंने अबाउट अभी तक जो है वो 1.5 कप्स डाल दिया है, और मुझे अभी भी इसकी सही नहीं लग रहा, तो मैं इसमें अराउंड 2 कप्स अब डाल चुकी हूँ, और अब मैं इसको ज़रा सा देखूँगी कि इसमें कितने कप्स जो है वो सही से जाता है। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये बहुत ही जो है वो लाइक परफेक्ट क्वांटिटी है, और ये जस्टिस कर रही है इस पैन के साइज के साथ, और इसको मैं थोड़ा सा टैप कर दूँगी। इस तरह से आपको इसको उठाना है एंड देन इसको थोड़ा करीब जाके वापस जो है ना इसको आपने इस तरह से टैप करना है, जिससे ये क्या है कि ये जो बबल्स हैं वो, तब तक जब तक वो टैप वगैरह कर लेती हूँ मैं, तो आपको ये दिखाती हूँ मेरा ओवन। ये मेरा ओवन है और ये है ब्लैक एंड डेकर का, और इसकी ये सूरत हाल है फ़िलहाल। तो मैंने अभी इसको प्री हीट करने के लिए अभी मैंने इसको रखा है, पहले मैं कुछ और काम करती मुझे याद नहीं रहा, तो अभी ये है कि ये 60 पे मैंने रखती है इसको, जब ये 50 तक आ जाएगा तो मेरा ओवन जो है वो इतनी देर में अच्छे तरीके से प्री हीट हो जाता है। तो टाइमर मैंने इसका 60 कर दिया, जब ये 50 पे आएगा तो मैं इसमें केक्स डाल दूँगी, और इसकी जो मैंने ऑन किया हुआ है यानी कि कितनी हीट है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये जो है, ये जो है मैंने इसके लास्ट वाले पे इसको ऑन किया हुआ है, ये देखें, इट मीन्स कि इसका रोटेसरी रॉड मिड वाला सेक्शन, नीचे वाला सेक्शन, ऊपर वाला सेक्शन, सबके सब जो है वो इस वक्त हीट देंगे इसको, साइड वाले हीटर्स भी और नीचे वाले, नीचे इसके रॉड्स हैं और इसके ऊपर भी 2 रॉड्स हैं, ठीक है। और इसकी जो डिग्रीज है वो है सेंटीग्रेड्स में, तो वो मैं कर दूंगी अराउंड 200 डिग्रीज, और अगर अभी मुझे जल्दी चाहिए तो मैं इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखूंगी, जिसमें ये जो है जल्दी से होगा। और मैं आपको एक क्विकली बता दूं कि आप लोग कह रहे होंगे इतना गंदा रखा हुआ है, तो जब मैं इसको यहाँ से साफ़ किया जाए ना तो ये इसका वाइट पेंट उतर जाता है, ये बात मुझे बहुत अजीब लगी इन लोगों की, लेकिन बाकी ये ओवन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है चिकन के लिए, आप कुछ भी बनाओ पिज़्ज़ा वगैरह तो बहुत ही अमेजिंग बनता है। बट ये है कि ये देख सकते हैं आप कि ये वाइट पेंट है इसका, यहाँ से मैंने थोड़ा सा साफ किया तो ये उतरने लग गया। सो ये मेरे दोनों पैंस तैयार हो गए हैं और ओवन भी प्री हीट हो गया ऑलमोस्ट, केक्स हो गए हैं अंदर, और मैं अभी इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज कर दूंगी, यहाँ पे मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दूंगी, और जो है 10 मिनट्स हो गए थे प्री हीटिंग को, और अभी तक मेरा यहाँ तक है।
अभी भी अंदर से जिगली जिगली हैं ये देखें, और अभी ये सही तरह से नहीं बने, और जो ये बनते हैं तो मैं दिखाती हूँ। अभी तक टाइमर जो है वो 30 पे पहुँचा, यानी कि इसको 20 मिनट्स हो चुके हैं, क्योंकि 50 पर तो हमने इसको केक को रखा था पहले, वो प्री हीट का टाइमिंग है, और अभी 20 मिनट्स हो गए हैं केक को। केक हो गया है हमारा तैयार, और इसको बनने में लगे हैं टोटल 40 मिनट्स, और ये वाला तैयार हो गया है, वो वाला मैंने अभी नहीं देखा। सो हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अभी मैंने इसको पलट के रख दिया है, और ये मैं अभी नहीं उतारूँगी, इसको मैं थोड़ी सी देर बाद उतारूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल जैसे ही मैंने ओवन से निकाला है तो साथ ही मैंने इसको पलट के रख दिया है, तो अभी थोड़ी सी देर वेट करके फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, तैयार हो गया है हमारा यमी यमी केक, और इसको बनाने में मुझे तकरीबन जो टाइम लगा है वो अबाउट 10 मिनट्स है प्रिपरेशन का सारी, और बाकी जो है वो इसके बनाने का टाइम है 40 to 50 मिनट्स, अराउंड 40 to 45 मिनट्स। 40 में यह तैयार हो गया था और 45 में दूसरा, और इसको मैंने डेकोरेट किया है दो बड़ी चॉकलेट्स के साथ, साथ में मैंने जो इसका पेपर था उसे स्क्रैप करके जो केक का बैटर था उससे मैंने ये एक बॉल बनाई है, चॉकलेट बॉल, और साथ में मैंने सोनेट चॉकलेट्स ये तीन सामने रखी हैं, और ये बिस्किट्स जो हैं चॉकलेट बिस्किट्स जो होते हैं उसको मैंने ये सारे इस तरह से चुरा करके उनका तो वो डाल दिया है, और इंशाल्लाह ये आप अपने बच्चों के लिए, भांजों भतीजों के लिए बनाएं तो ये बहुत शौक से बच्चे खाएंगे, और ये उई गुई टाइप केक है, ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल प्लेन केक, आपको इसके साथ किसी भी सॉस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ऑल्दो मैं बनाती हूँ सॉस, लाइक इस टाइम मैंने नहीं बनाई, और मैं इसको देखा कि आपको चख के बताती हूँ कि लग कैसा रहा। सो ये देखिए गाइस, हमारा केक हो गया है बिल्कुल तैयार, और ये उसकी एक पेस्ट्री है, और अब हम इसको थोड़ा सा चख लेते हैं। मुझे भी खिलाओ। आपको भी खिलाओ। मुझे ओके, अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और थम्स अप दीजिएगा, और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।